सो हे गाइस वेलकम बैक। तो गाइस यार फाइनली मैं आप लोगों के लेके आ चुका हूं माइनक्राफ्ट 1.17 सर्वाइवल सीरीज का एपिसोड 32। तो यार आज के एपिसोड के लिए मेरे पास काफी कमाल का प्लान है। तो गाइस जैसे कि आपको पता ही है, जब मैं इस पांडा को जंगल बायोम से लेके आया था तभी मेरे पास कोई अच्छा प्लान नहीं था कि इसको हम कहां पे रखेंगे, तो मैंने इसको सिंपली फेंस के अंदर ही रख दिया। बट ये देखने में काफी वियर्ड लग रहा है एंड मुझे पता है कि पांडा को भी ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं है। तो गाइस फाइनली आज हम लोग इस पांडा के रहने के लिए एक अच्छा सा जगह बनाएंगे। बेसिकली गाइस हम लोग अपना एक खुद का छोटा सा जंगल बायोम बनाने वाले हैं, जहां पे कि जंगल बायोम के सभी चीजें रहेंगी, लाइक पॉन्ड, बैम्बू ट्रीज, मतलब गाइस पूरे जंगल बायोम का फीलिंग हमें उस जगह पे मिलेगा। अभी गाइस अपना प्लान तो काफी ओपी है, बट सच बताऊं तो गाइस ये आइडिया मेरा नहीं है, आप ही लोगों ने कमेंट्स में मुझे इस आइडिया के बारे में बताया था। तो सबसे पहले तो गाइस आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतने अच्छे आइडियाज बताने के लिए। आप सभी के सपोर्ट के अलावा ये सर्वाइवल सीरीज कभी भी पॉसिबल नहीं था, तो यार अपना सपोर्ट बनाए रखना। एंड एक छोटा सा क्वेश्चन है, मुझे यार कमेंट्स में डेफिनेटली बताना कैसे हम लोग इस सर्वाइवल सीरीज को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलो यार वापस आते अपने गेम प्ले में। तो सबसे पहले तो गाइस हमें जंगल बायोम के लिए एक वॉल बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कोबलस्टोन्स का यूज करते हैं, बट मुझे नहीं लगता भाई इतने से कोबलस्टोन्स से अपना पूरा वॉल बन पाएगा। तो फिलहाल के लिए गाइस यहाँ पे मेरे पास काफी सारे एंथ्रेसाइट्स हैं, तो यार वॉल के लिए इसी को यूज करते हैं। तो यहाँ पे यार मैंने काफी सारा वॉल बना लिया है। अभी अपने को चाहिए होगा मॉसी कोबलस्टोन, तो यहाँ पे अपने पास 37 मॉसी कोबलस्टोन्स हैं एंड इससे हम लोग अपने जंगल बायोम का गेट बनाने वाले हैं, तो इतने से अपना काम बन जाएगा। तो अभी ना गाइस यहाँ पे रात होने वाली है, तो मैं फटाफट जाके सो लेता हूँ। तो सुबह हो चुकी है गाइस, तो चलो अभी अपने जंगल बायोम को बनाना स्टार्ट करते हैं। वैसे गाइस अभी अपने पास एक छोटा मोटा आइडिया है कि अपना जंगल बायोम एक्चुअल में देखने में कैसा होने वाला है, बट मैं कंफ्यूज इस बारे में हूँ कि हम लोग इस जंगल बायोम को बनाएंगे कहाँ पे। घर के सामने वाले पूरे एरिया में तो मैंने फार्म्स बना रखे हैं, तो वहाँ पे तो यार बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो फिलहाल के लिए मुझे ये जगह मिला है, ये सरफेस थोड़ा सा प्लेन है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा जगह हमें आसपास कहीं पे भी मिलेगा। तो यहाँ पे यार सबसे पहले हमें 16x18 एरिया पे वॉल बना लेना है। आई होप कि इतना एरिया अपने जंगल बायोम के लिए काफी है, अगर ये ज्यादा छोटा होता है तो मैं इसको थोड़ा और बड़ा बना लूंगा। तो गाइस ये अपना परफेक्ट एरिया बन चुका है। अभी गाइस यहाँ पे अपने को एक दरवाजा बनाना है, जिसके लिए हम लोग मॉसी कोबलस्टोन्स का यूज करेंगे। तो यहाँ से अपने को 3 ब्लॉक्स ऊपर जाने हैं, या शायद से 3 ब्लॉक कुछ ज्यादा ही छोटा बन जाएगा। एक मिनट मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो हाँ यार ये देखने में थोड़ा छोटा लग रहा है, तो हमें इसे 4 ब्लॉक हाइट का बनाना है। तो ये हो चुका है गाइस, अभी चलो इसको अंदर से डेकोरेट करते हैं। तो डेकोरेशन के लिए गाइस हमें चाहिए होंगे कुछ जंगल ट्रीज एंड बैम्बूज। इसी के साथ गाइस हम जो है अंदर एक छोटा सा पॉन्ड बनाएंगे, ताकि यार वो रियल वाली फीलिंग आ सके। तो यहाँ पर अपने पास 7 जंगल ट्री सैपलिंग्स है एंड इस तरह फिर मैंने कुछ बैम्बूज लगा रखे हैं, तो यहाँ से कुछ बैम्बूज को भी कलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी अपने पास 31 बैम्बूस कलेक्ट हो चुके हैं, बट इतने बैम्बूस का हम क्या ही करेंगे, तो कुछ बैम्बूस को वापस से यहीं पे लगा देते हैं, ताकि यहीं पे बढ़े हैं अपने को आगे चल के कभी भी बैम्बूस की कमी ना हो। तो अभी यार यहाँ से हमें कुछ बकेट वाटर ले लेना है। बाय द वे गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अपना जो अनलिमिटेड लावा फार्म है वो यार काफी अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। अभी अपने पास ऑलमोस्ट 36 बकेट लावा है, तो मुझे नहीं लगता कि गाइस आगे चल के कभी भी अपने को कोल की जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अपने को डर्ट से एक रैंडम सा स्ट्रक्चर बना लेना है एंड फिर एक कॉर्नर में हमें एक छोटा सा पॉन्ड बना लेना है। तो यहाँ पे यार काफी रात हो चुकी है एंड हर बार की तरह मॉब्स वापस से परेशान कर रहे हैं। वैसे गाइस हमें मॉब्स से डरने की तो कोई बात है नहीं, हमारे पास यार काफी खतरनाक वेपन्स हैं, बट यार पूरी रात मॉब से फाइट करके कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि इससे यार काम तो हम बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो चलो यार फटाफट सुबह करते हैं। फिर सुबह होती जल्दी से जल्दी हम लोग जंगल बायोम को बना लेंगे, बेचारा अपना पांडा काफी टाइम से फेंस के अंदर पड़ा हुआ है। एक और नई सुबह एंड आज हम लोग किसी भी तरह से अपने जंगल बायोम को कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें कुछ ओक स्लैब्स बना लेने हैं, जिससे कि मैं अपने पांडे के लिए एक छोटा सा जंगल हाउस बनाऊंगा। इसके अलावा कहीं हमें कुछ फेंस एंड ओक लीव्स भी चाहिए। तो यार इस पूरे पॉन्ड को फिल करने के लिए अपने को काफी सारा वाटर चाहिए होगा एंड बार बार रिवर से जाके वाटर लाना तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे गाइस हमें एक इन्फिनिटी वाटर सोर्स बनाना है। तो चलो यार अभी अपने पॉन्ड को फिल करते हैं। अरे यार यहाँ पे हॉर्स कहाँ से है, पता नहीं यार ये हॉर्स इतनी बेकार जगह पे क्यों स्पॉन होते हैं। अभी मुझे नहीं लगता कि अपने पास कोई और रास्ता है, मुझे इस बेचारे को किल करना पड़ेगा। तो भाई मैंने इसको किसी तरह से यहाँ से निकाल दिया है एंड अपना पॉन्ड भी यहाँ पे फिल हो चुका है, बट ये देखने में इतना नेचुरल लग नहीं रहा है। तो इसको थोड़ा नेचुरल बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे सैंड ब्लॉक। तो यहाँ पे यार इसके आसपास थोड़े सैंड ब्लॉक्स प्लेस कर देते हैं, इससे यार पॉन्ड देखने में थोड़ा नेचुरल लगेगा। अभी पांडा के जंगल हाउस के लिए यहाँ पे मैंने 4 फेंस प्लेस किए थे एंड इसके ऊपर प्लैंक्स लगा दिए हैं। सामने के एरिया को बनाने के लिए हमें 2 जंगल लॉक्स चाहिए, तो दोनों ही साइड में हमें एक एक करके जंगल लॉक्स को प्लेस कर देने हैं एंड यहाँ पे एक छोटा सा स्टेयर बना लेना है। सो दैट्स इट, अभी हमें ऊपर चारों ही कॉर्नर्स में फेंस प्लेस करने हैं एंड फेंस के नीचे एक स्लैब भी प्लेस कर देते हैं, मतलब ये उड़ता हुआ तो काफी अजीब लगेगा। अब इनके ऊपर गाइस हमें ओक लीव्स को प्लेस करने हैं।
तो ये सारी चीजें कर लेने के बाद गाइस फाइनली अपना पांडा का जंगल हाउस बन चुका है। अभी बस हमें कुछ ट्रीज एंड बैम्बूस लगा देने हैं एंड अपना जंगल बायोम एकदम रियल लगेगा। तो जंगल ट्रीज मैं ज्यादा नहीं लगाने वाला, इससे यार ये जगह एकदम ही कवर्ड लगेगा। कुछ चार पांच सैपलिंग्स प्लेस कर देते हैं एंड ये बड़े हो जाने के बाद यार काफी ठीक ठाक सा लगेगा। इसके बाद यार हमें चाहिए कुछ बैम्बूस, वैसे यहाँ पे भी एक सैपलिंग लगा ही देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। एंड बैम्बूस को मैं इस पॉइंट के चारों तरफ लगाने वाला हूँ एंड कुछ इधर उधर भी लगा देंगे। तो सभी ट्रीज मैंने लगा दी हैं एंड पता नहीं ये वाला जंगल ट्री इतना जल्दी बड़ा कैसे हो गया। चलो यार अच्छी बात है। एंड मैं सोच रहा हूँ कि अपने पास बोन मिल तो काफी सारा है, तो बाकी ट्रीज को भी फटाफट बोन मिल से बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ लाइट्स भी बना लिए हैं ताकि रात को भी अपना जंगल बायोम देखने में काफी ओपी लगे। तो चलो यार अभी जल्दी से इन ट्रीज को बड़ा बनाते हैं। तो यार ऑलमोस्ट अपना जंगल बायोम रेडी हो चुका है। अरे यार ये फिर से आ गया, चलो हटो यहाँ से। अभी गाइस यहाँ पे हमें कुछ लाइट्स लगाने हैं एंड फिर सबसे मुश्किल काम पांडा को वहां से यहाँ तक लेके आना है। तो गाइस लाइट्स भी लग चुके हैं, अभी सुबह को देखते हैं हम पांडा को यहाँ तक कैसे ले आ सकते हैं। तो गाइस अपने पांडा का घर तो बन चुका है बट मैं इस पैरट को भी यहाँ पे अकेला नहीं छोड़ सकता, तो चलो भाई इसको भी वहीं पे रख देते हैं। तो चलो पांडा हमने तुम्हारे लिए पूरा घर बना दिया है, अभी हमें डिस्टर्ब बिल्कुल मत करना, चुपचाप अपने साथ चलो। तो यार जैसे कि मुझे लगा ही था ये पांडा तो अपने जगह से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो पता नहीं यार इसको क्या दिक्कत है। असल में ये पांडास होते ही आलसी हैं। तो चलो गाइस एक बार मैं इन बैम्बूस को यहाँ से हटा के इसे ले जाने की कोशिश करता हूँ। तो फाइनली गाइस इस बंदे ने अभी चलना शुरू किया है। अभी मुझे नहीं पता कि ये इतना स्लो चलेगा तो इसको वहां तक ले जाने में कितना टाइम लगेगा, बट अभी अपने पास कोई और रास्ता है भी नहीं, तो चलो भाई इसको इसी तरह से ले चलते हैं। तो लिटरली गाइस दो दिन तक चलने के बाद यह पांडा फाइनली अपने नए घर तक आ चुका है। तो यहाँ पर मैंने अपने पैरेट को भी रख दिया है। अभी गाइस अच्छी बात यह है कि ये पांडास इतने आलसी होते हैं कि ये यहाँ से उठेंगे भी नहीं, तो अपने को ना यहाँ पे डोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं है। अभी यार देखते हैं कि अपना जंगल बायोम नाइट में कैसा लगता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप कि गाइस आप लोग आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल के ऊपर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दो इसी तरह की गेमिंग रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए। मैं आप लोगों के साथ मिलूंगा कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, गुड बाय।